अब हम इस महफिल शेर का आगाज़ करते हैं और मैं जिस शायर को दावत सखन दे रहा हूँ वो एक मशहूर डॉक्टर हैं, अलीगढ़ के से उनका ये ताल्लुक़ है कि उनके वालिद साहब ने वहाँ तालीम पाई, पाकिस्तान के रहने वाले हैं और अलीगढ़ के इस ताल्लुक़ को वो इतना अजीज़ समझते हैं कि वो अलीगढ़ में बाकायदा इस्कालरशिप देते हैं, तो उन्हें बतौर शायर के भी दावत दे रहे हैं और बतौर तहदीस नेमत के भी कि उनके शेर भी अच्छे होंगे और यकीनन उनकी ये मिसाल भी बहुत अच्छी है। जनाब नसीम खान साहब तशरीफ़ लाएँ। अज़ीज़ ख़ातीन हज़रात, पिछले चंद साल से पाकिस्तान की सरजमी पर सियासी झगड़ों की वजह से जिस तरह से लहू बह रहा है उससे मुतासर होकर मैंने ये चंद अल्फाज कहे हैं। नज़म से ज़्यादा ये मेरे जज्बात का इजहार है और शायद बाद में अली सरदार जाफरी साहब कहें कि ये नज़म तो नहीं तकरीर करके गए, बहर कैफ। इस आज़ाद नज़म का उन्वान है ये लहू। ये किस का लहू बहा, ये किस का लहू बहा, ये किस माँ का जिगर पारा हुआ, ये किस दुल्हन का सुहाग लुटा, ऐ देखने वालों, ऐ सुनने वालों, अपनी बंद आँखें खोलो, अपने कानों से खुद सुनो, ये कैसे बेकफन लाशे, ये सब कत्लो गारत, तुमने कभी सोचा, तुमने कभी पूछा, ये जालिम कौन है, ये जुल्म किस पर हुए, तुम्हें शायद फुर्सत ही नहीं अपनी खुद साख्ता उलझनों से, जिनमें उलझकर तुमने सब कुछ ही भुला दिया, तुम भूल गए अपने आबा को भी, तुमने ये भी न सोचा कि उन्होंने एक एक इंच जमीन के लिए कितना लहू बहाया, आज उनकी रूहें किस तरह तड़पती होंगी, ये रूहें, ये मट्टी और ये लहू के कतरे, सभी पूछते हैं तुम्हारी गैरत को क्या हुआ, अपने ही भाइयों का लहू बहाने लगे, ये लहू तो मुकद्दस है, ये लहू तो मुकद्दस है उस पाक सरजमी की तरह, तुम्हें अपने आबा के लहू की कसम, इस लहू को यूं न बहाओ, इस लहू को यूं न बहाओ, ये लहू अमानत है कौम की, ये लहू तो अमानत है उस मट्टी की, इस लहू की तो ज़रूरत है सरहदों के तहफ्फुज़ के लिए। शुक्रिया। बहुत खूब।